गाड़ी में बैठे हैं क्योंकि अभी मैं बैठी हूँ गाड़ी में, पंकज गया है अपनी जो बैडमिंटन होता है उसका, वो टूट गया है, वो उसको बनने देने गया है, सब कुछ टूट फूट ही रहा है। मेरी घड़ी चटक गई है, देखिए। तो मैं देख सोच रही इसको दिखा लूँ कि बन पाएगा कि नहीं, नहीं बनेगा तो मैं नहीं पहनूंगी क्योंकि टूटा हुआ कांच की चीज़ मैं नहीं पहनना चाहती हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही रहता है फिर। तो वैसे बहुत सारे मानने वाले लोग मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं, बट आई थिंक मैं छोटा मोटा चीज़ तो मानती हूँ, तो उसमें ये भी आता है। इसीलिए खैर चलिए दिखा लेते, होता है तो नहीं तो अदरवाइज। आ गया पंकज अपना टूटा हुआ बैडमिंटन, देखिए टूटा हुआ बैडमिंटन नहीं, टूटा हुआ रैकेट। बैडमिंटन इज अ गेम, रैकेट होता है जिसे खेलते हैं। तो मैं बता रही हूँ सब कुछ टूट फूट ही रहा है। क्यों, क्या बता रही हूँ? मेरी घड़ी भी चिटक गई, अगर बनी लहू चिटक गया तो मैं नई घड़ी चाहिए, नई घड़ी देखते हैं अगर बनेगी तो बन ठीक है, अदरवाइज मैं दूसरी ले लूं क्योंकि मैं ये नहीं पहनूंगी। तो मैंने नया फोन देने का वादा किया है एक महीने के अंदर, तुम्हारी ऑडियंस के सामने मैं वादा करता हूँ तुम्हें एक नया फोन दूंगा। नया फोन भी कितने पुराना हो गया? साढ़े पाँच छः साल तक फोन चला लिया तुमने, बताओ। चलिए फिर आगे चलते हैं, आज है गणेश चतुर्थी इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा इंडियन पहना जाए। आज शाम के समय हम लोग जाएंगे पाठक के यहाँ, नेहा और पाठक के यहाँ। गणेश चतुर्थी व्लॉग आएगा, व्लॉग व्लॉग बनाऊंगी, बहुत सारे लोग आएंगे। हाँ बहुत सारे लोगों में तो व्लॉग बना लूँगी, वैसे मैं सोचती हूँ कई बार कि व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि पता नहीं किसी को कुछ अच्छा लगे ना लगे, क्या चीज़ है ना, तो सोच समझ के फिर बन बहुत बार नहीं बनाती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि जाती हूँ लेकिन दिखा नहीं पाती हूँ, किसी सोच सोच में नहीं बना पाती हूँ, लेकिन आज तो वो है गणपति वाला है तो फिर आज तो बनाऊँगी, सब लोग आएंगे और शायद बच्चे बच्चे भी कुछ लोग आएंगे, देखते हैं। और एक नई खुशखबरी भी है, लेकिन चलो पहले ऐसे बता दो कि हमारे एक दोस्त के फैमिली जो है थोड़ी बड़ी हो गई, दोस्त तीन हो गए हैं। तो कौन है वो आपको बाद में बता, बाद में बताएंगे अभी जब नहीं, जब खुद ही डिस्क्लोज नहीं किया है। तो जब वो डिस्क्लोज कर देंगे तब फिर मैं बता दूंगी, यस आई है और मिला भी दूंगी। तो खैर चलिए आगे जो जो होता जाएगा मैं बताती हूं। अभी चलते चाय पीने दोस्तों, चाय पिएंगे। कल बहुत गंदा सपना देखा है दोस्तों मैंने, उसके बाद आज उठ के मैंने पूजा करी। क्या हो गया? मतलब मुझे अपने कमरा ही दिख रहा था, जहाँ मैं सोई हूँ वही वही चीज दिख रहा हूँ, मैं सो रही हूँ वो भी दिखा हूँ। इसीलिए रात को हॉरर मूवी नहीं देखनी चाहिए। नहीं हॉरर मूवी नहीं, हॉरर मूवी देख के मुझे बार बार ऐसा लगा कोई आके बाहर के गेट से आया अंदर कमरे में और फिर मेरे को ऐसे पीछे से उसने पकड़ा। अच्छा हॉरर मूवी नहीं, फिर मैं ऐसे चिल्ला रही हूँ तो फिर तब मैं चिल्ला रही थी ना सही में। हाँ और ऐसा 3-4 बार हुआ कल आपसे, लेकिन कोई हॉरर मूवी नहीं, सिर्फ कॉमेडी मूवी देखूं। तो तुम्हें लग रहा था कल तो वही सेम चीज में सब तो आज पूरा सन्नाटा छाया खाली है पूरा, आज सब घर पे कुछ सजावट कर देखो सब दिखाते हैं। दुकानें सजी हुई हैं, क्या मस्त कपड़ा पहना भैया भाई साहब ने, रंगीन है ये नहीं मेरी चाय सुबह की पहली चाय है और मैं पी रही हूँ शाम में, मतलब क्योंकि मैं सुबह की चाय छोड़ के मैंने शाम की स्टार्ट कर दी है, पहले बंद कर दी थी फिर मैंने शाम की एक शुरू कर दी क्योंकि डॉक्टर ने कहा पी सकते हो चाय दोनों टाइम, तो मैंने सोचा एटलीस्ट एक टाइम तो पी ली। ये रहे बादल, बादलों का गुच्छा रखा हुआ है सामने, मेरा पंकज
बादल पे पाँव हैं। तो दोस्तों अभी गणेश चतुर्थी के दिन हम मोहल्ला है, हाँ, जैसे है। जैसे हमने दिवाली पे माथे रंग गए थे, किताबों का स्टोर रखा है, पुस्तक पढ़ेंगे लोग। देखो देखो ये किताब, कहानी की किताब होगी तो मैं ले लूँगी। अच्छा तो आर सिटी मॉल आए बहुत दिनों बहुत दिन के टाइम पे है, अदरवाइज हमेशा लेट में आते हैं ना रात। तुम कौन से मॉल में गए थे जहाँ पे इसी में था ये इसे क्या हो लास्ट में ये देखिए जो बच्चे हैं ज़्यादा भाग लेके गए ले गया। हाँ अच्छा ट्रेंड्स वाला है तो काफ़ी समय से है। एक बार पंकज कुछ बनवाने गया था तो उसने जैसे मार्केट में पूछा कि मोची की शॉप कहाँ है, तो भेज दिया था कहाँ मोची या दर्जी बुटीक शॉप हो गई है, मोची की दुकान में भेज दिया था। उसने दर्जी पूछा तो दर्जी की बुटीक बुटीक तवा मिल गया। हाँ You want to sit? नहीं अंदर ही कौन है? ऐसे तुमने इतने कोऑर्डिनेट करने के लिए कहाँ मिलेंगे? पहले इन लोग यहीं पर बैठ के देखते थे। ये तो लोग कैसे स्ट्रॉबेरी वाला अच्छा शुगर तो नहीं ज़्यादा। एक डबोशन का आदमी सॉफ्टी खाएगा क्या हुआ? काफी बड़ी हो गई आंशी कैसे हो? अच्छा ज्यादा वो बात नहीं करती है। बात करती है अभी तो नेहा ने घर पे बप्पा बिठाए थे और अच्छे से डेकोरेशन करी थी। सब लोग आए थे आज और कल वीडियो नहीं डाल पाई, ये वीडियो वैसे तो कल आने वाला था पर कोई बात नहीं आज आ जाएगा। तो सारी पूजा वूजा यहीं पर की गई थी। तो यहाँ पर बहुत सारा खाने का इंतजाम किया गया है। ये रही खीर, हलवा बना है, हलवा इसमें था मुझे बाद में पता चला छोले
पनीर आलू गोभी की सब्जी और वेज पुलाव पराठा, मज़ा ही आ गया था। सब कुछ बहुत टेस्टी बना था और इतना सारा बना था कि सबको पैक कर करके दिया गया है। तो ये रही मेरी थाली, अब मैं खाने जा रही हूँ। मैंने बहुत सारा खाना लिया, बहुत ही मज़ा आ गया क्योंकि काफ़ी स्वादिष्ट था। What are you having? Paneer. की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और बस मैंने सोचा यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी थी, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। डेकोरेशन किया गया था और ये रहा बाहर का नज़ारा जो कि रात में बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ट्रैवल व्लॉग बनाए हैं और भी अलग अलग व्लॉग्स बनाए हैं, आपको ज़रूर पसंद आएंगे और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ओके, बाय, लव यू ऑल।